अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सबको जी सर। आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। सर जी सर। हाँ जी भाई, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बताओ। सर मैंने तुम लोगों सीवीएस को की उसका एनएट में पढ़ी थी आपने। लोगों पढ़ के आना। हाँ सर आपने बोला था घर से सीवीएस की एनेटमी और फिजियोलॉजी पढ़ के आना। ओके। अच्छा मुझे आप बताएं, आरवी का प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बोथ? अच्छा क्या आपसे पूछूं? यस सर वो म्यूट हो गया था। सर वो जो टेबल में था वो बताने। एक डायग्राम बनी थी आई थिंक सो। एक्सक्यूज मी सर। एक डायग्राम बनी हुई थी, उसमें लिखे हुए थे प्रेशर्स, मैंने बताया भी थे पढ़ के। सर जो उसका राइट एट्रियम का था वो 0 से 8 था और उसके बाद और जो सर उसके बाद लेफ्ट राइट एट्रियम के बाद सर राइट वेंट्रिकल है उसका 15 to 30 डायस्टोल नहीं सॉरी 15 to 30 सिस्टोल है और 0 to 8 डायस्टोल है और एओर्टा एओर्टा का लाइका का यस सर। तो क्या उठ गई आप? सर मैं उठी हुई थी, लैपटॉप ऑन कर रही थी। अच्छा मुझे आप ये जरा बताएं कि एलए के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी होती है और एलवी के अंदर कितनी होती है? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सर लेफ्ट एट्रियम में सबसे ज्यादा होती है 97% और लेफ्ट वेंट्रिकल में 95% होती है। सही मान लेते हैं आपका जवाब। अच्छा जी, जर कम जर आप सर। वालेकुम सलाम। सर बड़ी मेहरबानी, हमारा लेक्चर मैं कहता हूँ आज तो बड़ा ब्लेस्ड हो गया, आप हमारे लेक्चर में तशरीफ लाए हैं। हम तो इंतजार वो में थे कि तबीयत सर जरूर खराब हमारे लेक्चर में। जो तबीयत खराब है ना, सारी ठीक कर दूंगा मैं, ऐसी ऐसी भी नहीं, एक नंबर ठीक हो जाएंगे बगैर दवाई के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जब क्लास पार्टिसिपेशन में लग रहे हैं ना, 0-0 अंडे 10 में से, तब बड़ा मजा आना है। नहीं करे सर, आगे बेहतर मैंने तो होगा कुछ भी नहीं इंशाल्लाह। किया। वो फिर तबीयत ऐसा ऐसा बेहतर ही होती है ना, जब दवाई मिलना शुरू हो जाए तो। क्यों रिकवर हो जाएंगे। मलाइका, क्यों सही कह रहा हूँ ना? यस सर। देखो मलाइका ने बेशक रोजा नहीं रखा, लेकिन वो फिर भी सुबह उठ के देखो लेक्चर दे रही है। जी क्या सर। सर? रोजा रखा है मलाइका आज? पक्की यस बात है? कितने हो गए बोला? अच्छा सर आज 14 वाला है। यार मेरे 15 हो गए, पता नहीं तुम लोग इतने स्लो क्यों। सर आप फिर सोदिया के साथ रख रहे हैं ना, आपने बताया था। सर आप हमारे साथ रख रहे हैं शायद इसलिए। क्या बात है, देखो मैं पाकिस्तान में बैठ के फॉरनर हूँ, मैं लेवल ही वक्र है। तुम लोग सच मेरी बात सुनो, मुझे सच खबरें मिली हैं कि तुम लोग मेरे लेक्चर कर रहे हो अपलोड। मेरी सुनो बात, मैं तुम लोग को रिकॉर्डिंग करके लिंक्स भेज रहा हूँ और वो लेक्चर डाउनलोड करके अगर अपलोड हुए ना यूट्यूब पे, तो मैं बड़ा बुरा पेश आऊंगा, क्योंकि मैं क्या ना, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं तुम लोगों को लेके चलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आया पढ़ाया और क्या। ठीक है, तो जरा इस चीज को माइंड में रख के तो कुछ करना।
समझ आ गई सबको बात? जी सर। अच्छा और एक और मेरी बात सुनो, आप लोगों के सीनियर के साथ लास्ट टाइम ये इशू हुआ था, ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ था कि जी सेमेस्टर 8 वाले थे वो भी उसके अंदर लगे, उन्होंने भी ये उठाया हुआ था सब्जेक्ट, ठीक है, सेमेस्टर 5 वाले ने भी उठाया हुआ था, सेमेस्टर 6 वाले ने भी उठाया हुआ था, ठीक है, आई थिंक सो कि तुम लोग सब सेम सेमेस्टर की हो, बट अगर तुम लोगों ने कोई पिछला कोर्स साथ उठाया हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ अगर एग्जाम का क्लैश आया या कोई भी इशू हुआ, ठीक है, तो बाद में फिर ये मत कहना कि सर हम मेरा तो ये बड़ा मसला हो रहा है, मैं तो ये नहीं कर सक रहा, मैं तो ये नहीं कर सकती, ठीक है, अगर तो ऐसा कोई क्लैश वाला इशू है तो रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन ओपन है, एड्रॉप ओपन है, उसको रिजॉल्व करवा लो टाइमली, ठीक है, बाद में जाके ये इशू ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम इशू बहुत ज़्यादा फेस किया गया कि जी क्या नाम है सेमेस्टर 8 के बच्चे हैं, 5 के बच्चे हैं, जिनका अभी बनता भी नहीं है रोड मैप के अकॉर्डिंग ये वाला सब्जेक्ट, उन्होंने सब्जेक्ट उठाया हुआ, ठीक है, तो फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं आपके क्या नाम है जब एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम में आप लोग कहते कहती हूँ आज आपकी होगी, तो इस चीज़ को रिजॉल्व कर लेना जिस किसी का भी इस तरह का कोई इशू चल रहा है, ठीक है, तो ताड़ी मेहरबानी के लेक्चर किसे अपलोड ना करना, उसकी रीज़न ये है कि फिर मुझे क्या नाम है तुम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड आके सिर्फ पढ़ा के जाना पड़ेगा, मैं तुम लोगों से कोई क्या नाम है इधर उधर की बात कोई तुम लोगों को थोड़ा क्या नाम है रिलैक्स करने के लिए कोई शुगर नहीं कर सकता, अगर यही मुझे यूट्यूब पर अपलोड करना होते लेक्चर मैं खुद भी कर सकता था, मुझे अच्छी तरह से आता है कि यूट्यूब पर लेक्चर कैसे अपलोड करते हैं, समझ आ रही मेरी बात? जी सर। ताड़ी मेहरबानी क्या वाला काम बंद कर दो। अच्छा जी चलो जी शुरू करते हैं। अच्छा सबसे पहले देखो कि अब हमने एंजियोग्राफिक रूम में जाना है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें वहाँ पे किस किस चीज की जरूरत है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एंजियोग्राफिक रूम में हमें क्या क्या, थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने पहले लेक्चर में दिया था कि वहाँ पे क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चाहिए होता है। अच्छा जी पहले वो सबसे पहले आपको एंजियोग्राफी की डेफिनेशन रीड करा रहा है, ए जनरल टर्म टू डिस्क्राइब द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वास्कुलर स्ट्रक्चर्स विद इन द बॉडी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिटी कंट्रास्ट मीडियम, ठीक है, आपकी बॉडी के जो वास्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इमेजिंग आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडियम, उसका हम क्या बोलते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी अगर हम आर्टरीज की कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे आर्टेरियोग्राफी, अगर हम वेन्स की कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे वेनोग्राफी, अगर हम कार्डियक वास्कुलेचर की इमेजिंग कर रहे हैं तो हम उसको एंजियोकार्डियोग्राफी बोलेंगे, ठीक है, अगर लिम्फ नोड्स की क्या नाम है हम इमेजिंग कर रहे हैं तो उसको लिम्फोग्राफी बोलेंगे, लिम्फ नोड की इमेजिंग से मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी की नहीं जाती, ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है एंजियोग्राफी टीम में कौन कौन होता है। जी जी सर आपकी आवाज बहुत दूर से स्लो आ रही है। यस सर। कितनी दूर से स्लो आ रही है यार, एक मिनट सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब ठीक है क्या? अब वो क्या कह रहे हैं कि एंजियोग्राफिक टीम में कौन कौन होता है, आपका रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट मतलब जो इंटरवेंशन के प्रोसीजर करता है लाइक क्या नाम है जैसे आपकी क्या कहते हैं बायोप्सी वगैरह, ठीक है, आपकी कार्डियक कैथेटराइजेशन, तो ऐसे जो इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स करता है यानी कि बाहर से कोई कैमरा एंटर करवा के कोई कैथेटर एंटर करवा के कोई डायग्नोस्टिक या थेरेप्यूटिक प्रोसीजर जो रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है हम उसको बोलते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, की ये इंटरवेंशन के प्रोसीजर्स करता है। उसके साथ फिर आपका एनजीओ टेक्नोलॉजिस्ट होता है जिसको आप सीआईटी कार्डियक इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, समटाइम मोर देन वन, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक आपका जो मशीन ऑपरेट कर रहा होगा और दूसरा आपके क्या नाम है कंसोल रूम में बैठ के आपकी सारी प्रेशर ट्रेसिंग्स और दिस एंड दैट को मॉनिटर करोगे, सब कुछ ओके चल रहा है। एक आपकी नर्स, ठीक है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, क्योंकि आपने ऑब्वियसली बाद में पेशेंट को क्या एनेस्थीसिया देके उसको बेहोश करके ही इंटरवेंशन का कोई भी प्रोसीजर किया जाता है, आइदर इट्स अ सर्जरी
और इट्स ए इंटरवेंशनल प्रोसीजर सर मेरे नाम मेरी नाम क्लास होती थी तो मेरी नाम था मजी इधर भी सारी तरह आवाज आ रही है तड़ी मेहरबानी माइक बंद कर लो अच्छा वो कहते हैं सम हिस्ट्री द फर्स्ट एंजियोग्राम वाज परफॉर्म ओनली मंथ्स आफ्टर रोंटजेन डिस्कवरी ठीक है ये आप लोगों ने अपनी रेडिएशन साइंसेस के अंदर पढ़ा होगा कि रोंटजेन ने 1895 में रेडिएशन एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी ठीक है उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि यार मैं क्या नाम है एक्सरेस को डिस्कवर करूं बट एक्सीडेंटली उसने डिस्कवर कर ली थी तो वो कह रहे हैं कि उसके कुछ ही मंथ्स के बाद क्या नाम है जो आपका वास्कुलेचर का एक एंजियोग्राम है ना उसको जनरेट किया गया था किसने किया था टू फिजिशियंस इंजेक्टेड चॉक और मर्करी सॉल्ट्स इनटू एन एम्पटेटेड हैंड एक पेशेंट जिसका हाथ काट दिया गया था उन्होंने उस हाथ के अंदर जो वेन्स थी मौजूद उनके अंदर उन्होंने मर्करी और चॉक के सॉल्ट्स को इंजेक्ट किया था ठीक है और उसके बाद फिर उसका एक एक्सरे इमेज लिया था जो कि कुछ इस तरह का आया था ठीक है समझ आ रही है जो कि आप जाके रीड करवाते हो फिर उसके बाद रीड करवाने के बाद कंप्यूटर के ऊपर एक इमेज बनता है फिर आप उसकी कंट्रास्ट की सेटिंग करते हो लेकिन यहाँ पे जो फ्लोरोस्कोपी है यहाँ पे आपको इमेजिंग प्लेट नहीं मिलता बल्कि इमेज इंटेंसिफायर मिलता है ठीक है इमेज इंटेंसिफायर क्या करता है आपकी एक्सरे से जो लाइट जनरेट होती है उसके अंदर उसको एनहांस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके तो ये स्क्रीन जो आपको पीछे नजर आ रही है इसके ऊपर आपको इमेज शो कराता है कुछ इस तरह का ये देखो अभी इसके सर के साथ बिल्कुल इन्होंने इमेज इंटेंसिफायर रखा हुआ है ठीक है ये नीचे एक्सरे ट्यूब है तो वो उसको सारे आपके वास्कुलेचर की जो आपका क्या नाम है हेड का वास्कुलेचर है सारी इमेजिंग स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है ठीक है समझ आ रही है यस सर ठीक है एक वो कहता है ये इसके एडवांसमेंट है दूसरा वो कहता है थ्री फेज जनरेटर्स ठीक है एक्सरे ट्यूब के अंदर आपने जनरेटर्स पढ़े होंगे जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर यूज होता है ठीक है उसके बाद ऑटोमेटिक प्रेशर इंजेक्टर आपका कंट्रास्ट मीडियम जो होता है ना वो थिक होता है जस्ट लाइक क्या नाम है हम क्या एग्जांपल दूं अगर किसकी तरह स्लाइम की तरह अगर हनी को आप थोड़ा सा डाइल्यूट कर लो ना ठीक है तो उस तरह की कंसिस्टेंसी होती है कंट्रास्ट की ठीक है कि थोड़ा थिक होता है विस्कोसिटी में पानी की तरह पतला नहीं होता ठीक है थिक होता है तो इसलिए जब ये इंजेक्ट करते हैं ना तो आपको हाथ से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है आपका ना क्या नाम है कॉन्स्टेंट रेट नहीं मेंटेन हो पाता कंट्रास्ट का तो उसको कॉन्स्टेंट रेट को मेंटेन रखने के लिए क्योंकि हमें क्या नाम है एट द सेम टाइम बोलस चाहिए होता है आपकी वास्कुलेचर के अंदर बोलस मींस यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी कंसंट्रेशन चाहिए होती है कंट्रास्ट की आपके स्पेसिफाइड ऑर्गन में जिसको आप इमेज करना चाह रहे हो उसके लिए फिर हमने क्या डेवलप किया ऑटोमेटिक प्रेशर इंजेक्टर्स ठीक है ये ऑटोमेटिकली आप इसको सेटिंग कर देते हो कि भाई इतना प्रेशर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 1.5 ml/s यानी कि एक सेकंड के अंदर आपने 1.5 ml कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक इंजेक्टर के अंदर सेटिंग होती है कि वो अपना प्रेशर इस तरह से बनाता है कि वो पीछे से जो उसका पुश आ रहा होता है ना वो 1.5 ml/s आपकी बॉडी में कंट्रास्ट को इंजेक्ट कर रहा होता है ठीक है उसके बाद एडवांस कैथेटर टेक्नोलॉजी ठीक है कैथेटर्स आपके कार्डियक जो इमेजिंग है डिफरेंट वास्कुलेचर को इमेज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कैथेटर्स डिजाइन किए गए हैं अगर आपने राइट कोरोनरी आर्टरी को इमेज करना है तो उसके लिए डिफरेंट कैथेटर्स हैं लेफ्ट के लिए डिफरेंट है आपके एलवी एलए के लिए डिफरेंट है आरए आरवी के लिए डिफरेंट है एओटा के ही इमेजिंग के लिए डिफरेंट कैथेटर्स हैं ठीक है ये आगे जाके हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे ओके ओके सर जी सर यस सर दाऊद चौधरी यस सर भजन समझ आ रही है यस सर पिछला लेक्चर पढ़ा हुआ कि नहीं ये बता दो जरा मुझे नहीं पढ़ के नहीं सर पिछला नहीं पढ़ ये बस दुआ करो बस रमजान खत्म हो जाए
फिर इसके बाद क्या ना मैं खींच दूंगा मैं पकड़ के तुम लोगों को, अभी से रमजान की वजह से मैं कह रहा हूँ कि चलो, हालांकि तुम लोग होते वेले ही हो, आई नो वेरी वेल कि तुम लोग बहुत चिल मारते हो रोजों में, सही से रात जाके क्या ना मैं फोन पबजी वाले पबजी जिन्होंने कहीं और टांगे फसाई हैं वो टांगे वहां पे फसा के रखते हैं टिल सहरी, तो बट मैं कह रहा हूँ कि चलो रमजान है बख्श दूं थोड़ा सा, मुझे मेरे स्टिकर्स भी मिलना शुरू हो गए हैं मजे मजे के, देख के मजा आता है, तुम लोग भी बनाओगे ऑब्वियस सी बात है, खैर बट ये रमजान ही है तो उसके बाद जब मैंने खींचा तो फिर तुम लोग रोगे, तो इसलिए बेहतर है कि खुद ही पढ़ लो, क्यों सहर नदीम सही कह रहा हूं मैं? यस सर। गुड सहर, खाना अच्छे से खाया करें आप मैडम आपकी मेहरबानी, पता चले कि आप ईद पे नजर ही ना आए हमें। सर खाती हूँ। अच्छी बात है। सफा नूर जी सर। बच्ची कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप ये जरा बताया ना कि हमने हीमोडायनामिक्स के अंदर क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? सिर्फ मैं ब्लड प्रेशर का पढ़ा था कि हीमोडायनामिक्स में हम मतलब हार्ट के लिए ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए पढ़ते हैं। अच्छा जी, चलो थोड़ा बहुत बच्चे को हां होना है। नुदरत नूर। यस सर। कैसी हैं बाजी आप? सर मैं ठीक हूं। चलो गुड है। आपने पिछला लेक्चर पढ़ा है? नहीं सर, मैंने पिछला नहीं पढ़ा। चलो कम से कम इतना तो है कि तुम लोग रोजेगा थोड़ा हया करके सच तो बोल रहे हो ना, ये भी बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूं मैं इस बात, लेकिन आइंदा से पढ़ लेना। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है, an important aspect of angiographic imaging have created a therapeutic technology, ठीक है? Angiography से हमें diagnosis के अलावा therapeutic technology भी develop हुई है, हम इसे क्या कर सकते हैं, आप इसके जो आपकी vessels के अंदर plaques बने होते हैं, ठीक है? आप thyrectomy device, ठीक है? जो thyrosclerosis होते हैं, यानी कि आपकी blood vessels के अंदर plaque बन जाता है, thyrectomy device, जिससे आप उसको plaque को clean कर सकते हो, just like a drill machine होती है वो, ठीक है? उसको आप वेसल के अंदर लेके जाते हो कैथेटर के साथ, वहां जाके कैमरा ऑन करके आप क्या नाम है उसको ड्रिल की तरह घुमाते हो और वो आपकी जो ब्लड वेसल है उसके अंदर से प्लाक को क्लियर आउट करके सक कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह आप थेरेप्यूटिकली भी इसको यूज कर सकते हो एंजियोग्राफी को। सिमिलरली अगर कहीं पर नैरोइंग हुई है वेसल की, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि कैथेटर के साथ बलून लेके गए, बलून को इन्फ्लेट किया तो वो वेसल भी ओपन सी हो रही है, ठीक है? एम्बोलाइजेशन, अगर आपके प्लाक्स के छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स बने हुए हैं तो आप उनको क्या नाम है थायरेक्टोमी डिवाइस के थ्रू वहां से उतार के, ठीक है, तो ब्लड वेसल के अंदर ही छोड़ सकते हो कि वहां से वो क्या नाम है कहीं और ट्रेवल कर जाए और वहां से बॉडी से वॉश आउट हो जाए इफ देयर साइज इज स्मॉल, ठीक है? उसके बाद इंट्रा आर्टीरियल ड्रग थेरेपी, ठीक है? कुछ थेरेपीज जो न्यू आई है, ठीक है, आपको वो इंट्रा आर्टीरियल ड्रग्स इंजेक्ट करना पड़ती है, ठीक है, वो थेरेपी करने के लिए, तो उसके लिए भी आपकी एंजियोग्राफी यूज होती है। ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी, ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी की ये पिक्चर बनी हुई है कि आपके क्या नाम है वेसल के ल्यूमन में कैथेटर लेके जाके बलून के थ्रू उसको इन्फ्लेट किया जाता है और उसको एक्सटेंड किया जाता है कि वहां से नैरोइंग खत्म की जाए। अगर तो आपका क्या नाम है वेसल इस तरह हार्ड नहीं हुई हुई कि क्या नाम है वो बलून से ओपन कर दें तो ओपन ही रहेगी, तो आप वहां पे स्टेंट प्लेस कर देते हो, ठीक है? इसी बलून के ऊपर एक स्टेंट लेके जाके उसको वाइड ओपन करके तो वहां स्टेंट प्लेस कर देते हो, ठीक है, जो कि खुल जाता है जस्ट लाइक ए वायर मैश, ठीक है? ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि स्टेंट क्या होता है। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। आज माहीन लेक्चर में है कि नहीं? सर हूँ। बाजी कितने रोजे हो गए आपके? सर 14 थे आज। नो सर, मैंने सारे रखे अल्हम्दुलिल्लाह। नो सर, सारे रखे हैं। ये मुझे मलाइका बता रही थी। नो सर, मैंने सारे रखे हैं। सर मैंने तो अभी भी नहीं बताया। क्यों आपने मेल नहीं की थी कि सर मैं इनसे पूछा करें कितने रोजे रखती हैं, उसने 3 छोड़े हैं। अस्तगफार सर, मैंने तो ऐसी कोई मेल नहीं की। सर आप हमारी लड़ाई करवा रहे हैं। मैं लड़ाई का
देखो भाई अब मुझे कोई कहे ना कि मेरे दोस्त ने ऐसे कहा, मैं तो आंखें बंद करके यकीन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस तरह की हरकतें जरूर कर सकते हैं सर, लेकिन हम दोनों ऐसे नहीं कर सकते ना। यस सर। तुम लोग कैसे दोस्त हो, एक दूसरे पे तुम लोगों को यकीन ही नहीं है यार। सर बहुत यकीन है। हाँ हाँ सर, आपस में एक दूसरे पे है, आप पे नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, मेरे पे करना भी ना तो बहुत बुरा फंसोगे। अच्छा जी, वास्कुलर स्टडीज यूजुअली रिक्वायर अ रूम और सूट ऑफ रूम्स। ठीक है, जो वास्कुलर स्टडीज होती है ऑब्वियसली बात है एक बहुत बड़ी एक्सरे मशीन लगनी है, वो फ्लोरोस्कोपी का यूनिट लगना होता है। ठीक है, आपके बैक एंड के कंसोल रूम के अंदर आपके सारे कंप्यूटर सिस्टम्स लगने होते हैं, आपके एक्सरे के लिए जो सारे वो कैबिनेट जनरेटर्स वगैरह वो लगने होते हैं, फिर आपका क्या नाम है स्क्रब रूम बनना होता है, फिर उसके बाद आपका क्या नाम है पेशेंट का रिकवरी रूम बनना होता है, उसके बाद फिर आपका क्या नाम है एक स्टोर रूम सा होता है जहाँ पे आपके सारे कैथेटर्स, आपकी क्या नाम है शीट्स, नीडल्स, दिस एंड दैट, जितना भी यानी कि आपका सर्जिकल मटेरियल जो चाहिए होता है उसकी स्टोरेज के लिए अलग से रूम बनना होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक बड़ा एरिया रिक्वायर्ड होता है। Specifically designed to accommodate the most sophisticated and necessary equipment needed to perform angiography interventional procedures. ठीक है? The procedure room should be large enough to accommodate all of the equipment as well as the radiological and ancillary staff. ठीक है? आपका जो procedure room है, जहाँ पे आपने procedure करना है patient को लेटा के, आपने क्या नाम है यानी के उसको image करना है patient को, वो रूम बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने एक तो सारा इक्विपमेंट लगाना है, उसके बाद फिर वहां पे स्टाफ ने भी मौजूद होना है और आपकी इमरजेंसी ट्रे, इमरजेंसी मशीन्स, ऑक्सीजन मशीन्स, ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर्स, दिस एंड दैट सब कुछ वहां पे होता है, तो इसलिए वो रूम बड़ा होना चाहिए। और मोस्टली ऐसा ही होता है, अगर ये कोविड का सीन थोड़ा ओके हुआ है तो आई विल टेक यू पीपल टू चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंजियोग्राफी। ठीक है, मैं तुम लोगों को विजिट करवाऊंगा अगर ये कोविड का सीन कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। I will try. इसके बाद कहते हैं special procedures sometimes require general anesthetic that necessitates extra equipment and staff. These procedures are also hazardous to a patient and each room must be equipped to deal with emergencies that may occur. ठीक है, obviously बात है आप patient को बेहोश कर रहे हो। ठीक है, patient को आपको बताया बेहोश करके कोई भी procedure करना, either it's a surgery or it's a diagnostic interventional procedure, पेशेंट बहुत ज्यादा खतरे में होता है, क्योंकि अगर पेशेंट का जरा सा भी कुछ वाइटल्स ऊपर नीचे हुए तो पेशेंट आपके हाथ से फौरन निकल जाएगा। इसलिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वहां पे मौजूद होता है कि उसको पता होता है कि यार मुझे इस पेशेंट की ये कंडीशन है, ये डायबिटिक भी है, हार्ट पेशेंट भी है, ठीक है, इसकी किडनी भी प्रॉपर वर्किंग नहीं है, मुझे इसको कितनी मिकदार में एनेस्थीसिया देना है कि मैं इसको वापस होश में भी लेके आ सकूं। ठीक है, तो इसलिए आपके पास एमरजेंसी की सारी ड्रग्स मौजूद होनी चाहिए। लेट मी आस्क, महादीन महादीन महादीन, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी हैं? इमरजेंसी ड्रग्स यस, जो हम एंजियोग्राफी में यूज कर सकते हैं। बाकी बोल ही नहीं रही। मोहम्मद अब्दुल्ला। यस सर। अब्दुल्ला बेटे मुझे बताओ कि आपकी कौन सी इमरजेंसी ड्रग्स यूज होती हैं एंजियोग्राफी के अंदर? ये यस एट्रोपिन, मॉर्फिन वगैरह सब। एट्रोपिन और कौन सी बताइए? मॉर्फिन और गुड, बहुत अच्छा।
ठीक है. अब उसके बाद क्या कहता है, रिमोट कंट्रोल सेंटर. रिमोट कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट शुड आल्सो बी हाउस एडजेसेंट टू द स्पेशल रूम. Although there must be adequate protection from all operators and staff, there must be at all the times be clear access and view of the patient being examined. ठीक है. अब आपकी जो फ्लोरोस्कोपी यूनिट है वहां से ऑब्वियसली बात है रेडिएशन निकल रही है. तो ये बाजी जहाँ पे बैठी हैं, ठीक है, ये देखो इनको यहाँ से सामने से रूम नजर आ रहा है. अब ये ग्लास अगर सिंपल ग्लास लगाया जाए ना तो यहाँ से जितनी भी रेडिएशन है ना इस बाजी को पड़ेंगी. ठीक है. और फिर आहिस्ता 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 एक टाइम आएगा कि इसकी डोज जो है वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी रेडिएशन डोज, और फिर इसको क्या नाम है रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. तो इसलिए हम ये जो ग्लास यूज करते हैं आपके प्रोसीजर रूम और कंट्रोल रूम के दरमियान में जो लगा होता है वो ग्लास हम लेड का यूज करते हैं कि उसके अंदर, उस ग्लास के अंदर लेड का मिक्सचर होता है. स्पेशल मेकर्स के पास से ही मिलता है, आम ग्लास वाली दुकानों से आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. स्पेशल ग्लास होता है जिसको हम लेडेड ग्लास बोलते हैं. आप इसके सामने आराम से खड़े हो सकते हैं, आपको रेडिएशन कुछ नहीं कहेगी. ओके ओके सर. यस सर. ओके सर. एक पर नीडेड फॉर एनजीओ बाइप्लेन सीएम डिजिटल इमेजिंग. ठीक है. आपका जो क्या नाम है, अगर यहाँ पे आप लोग गौर करो, ठीक है, तो ये जो यूनिट है ना ये सिंगल प्लेन है, यानी कि इसके अंदर सिंगल एक्सरे ट्यूब और सिंगल इमेज इंटेंसिफायर है. ठीक है. तो वो कह रहा है कि आप बाईप्लेन भी यूज कर सकते हो, मींस जिसके अंदर दो इंटेंसिफायर और दो ही एक्सरे ट्यूब्स हो. उससे क्या फायदा होगा कि आप क्या नाम है इमेजिंग जो है अर्ली कर लोगे, यानी कि आपका जो प्रोसीजर टाइम है ना वो कम लगेगा. और क्या चाहिए होता है, ऑटो इंजेक्टर, सिरिंजेस, हीटिंग डिवाइस. हीटिंग डिवाइस इसलिए चाहिए होती है आपको कि वो आप इंजेक्टर के ऊपर लगाओ, इंजेक्टर की सिरिंज के ऊपर, ताकि जो आपका कंट्रास्ट है ना वो क्या नाम है फ्रीज ना हो जाए. ठीक है. वार्म रे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर तक हम उसको सेट इस तरह करते हैं कि उसका टेम्परेचर 37 पे मेंटेन रहे, ताकि वो बॉडी के अंदर जाकर रिएक्शन ना कॉज करे. ठीक है. ए हाई प्रेशर मैकेनिज्म. ठीक है. एक हाई प्रेशर मैकेनिज्म लगा तो मैंने आपको बताया था ट्रांसड्यूसर, जिसका लेवल हम मिड चेस्ट पे रखते हैं, ताकि क्या नाम है वो आपके क्या नाम है प्रेशर ट्रेसिंग्स को मेजर कर सके. ठीक है. एक कंट्रोल पैनल जो कि सारा आपका कंट्रोल रूम में लगा होता है. इमेज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन. ठीक है. ये जो सारे मॉनिटर्स हैं ये इमेज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स के होते हैं. ठीक है. स्लाइडिंग टेबल, टेबल जिसके ऊपर आप पेशेंट को लिटाते हो. ठीक है. वो स्लाइड टेबल होता है, आप उसको आगे पीछे साइडों पे मूव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. ये उसने कॉस्ट बताई हुई है, कितनी कॉस्ट होती है, 750,000 to $1 million. ठीक है. $1 million का मतलब $1,000,000 तक की प्राइस होती है आपके एक एंजियोग्राफिक सूट में जितना भी इक्विपमेंट लगा होता है. इतने पैसे मैंने लाभ जानना क्या ही बात है. ठीक है. यार आसरी आगे से बंदा पूछे मैं फिर एनजीओ का बिजनेस नहीं करना, मैंने तो फिर कोई और ही करना है, चुप करके दो तीन हाई बाइक्स लूंगा वो बिजनेस करूंगा. अच्छा खैर, इसके बाद तो क्या आपको चाहिए होता है, पंक्चर नीडल. ठीक है. क्योंकि आपने कहना है आर्टेरियल असेसमेंट एम करनी होती है. स्टिलेट एंड कैनुला, लार्ज साइज कैनुला. ठीक है. उसके बाद गाइड वायर. ठीक है. गाइड वायर चाहिए होती है आपको, जिसको आप क्या नाम है सिरिंज के अंदर डाल के, ठीक है, सिरिंज को रिमूव कर लेते हो. ठीक है. और उसके ऊपर फिर आप क्या नाम है शीट डालते हो, शीट के ऊपर फिर आप कैथेटर इंसर्ट करते हो. ये आगे सारी टेक्निक्स बताऊंगा. उसके बाद ये उसने नीडल दिखाई हुई है. ठीक है. इसको हम स्टिलेट नीडल कहते हैं. इसका इस तरह की शेप होती है आगे से. ठीक है. ये उसने आपको बाई प्लेन दिखाया हुआ है. ठीक है. या तो इसके दो साइडों पे दो हेड्स लगे होते हैं. ठीक है. इस तरह का हो सकता है, या एक ही सिस्टम के एक ही साइड पे इस तरह के दो हेड्स लगे हो सकते हैं. इस तरह अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही साइड पे भी हो सकते हैं, वो भी इमेज दिखाऊंगा ये. ठीक है. इसको हम बोलते हैं बाईप्लेन एंजियोग्राफिक सिस्टम. ठीक है. देख रहे हो दो एक्सरे ट्यूब्स और दो ही इमेज इंटेंसिफायर्स. ठीक है. इसके अंदर क्या फायदा है कि आप एट अ टाइम ही, ठीक है, कॉर्डोक्रेनियल और क्रेनियो कॉर्डल, ठीक है, दोनों साइड के व्यूज ले सकते हो. ठीक है. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लेना है राइट एंड हीरो ब्लीक 30 degrees कॉर्डल एंगुलेशन, ठीक है, तो कॉर्डल एंगुलेशन पे पहले ही है. ठीक है. साथ ही आपने उसके बाद लेना है क्या नाम है आरओ 20 degrees, ठीक है, क्रेनियल एंगुलेशन, तो एक क्रेनियल एंगुलेशन पे पहले मौजूद है, तो आप इन दोनों को एट अ टाइम ले सकते हो. ठीक है. ये नहीं कि पहले आप क्या नाम है 30 degrees कॉर्डल एंगुलेशन वाला लो और फिर उसके बाद उस मशीन को इधर से इधर लेके आओ और फिर क्या नाम है 20 degrees आ रहे हो को क्रेनियल वाला व्यू लो कार्डियक वेसल्स का. सर एक ही एक्सपोजर में दोनों इमेज हो जाएंगे जी. ओके. ठीक है सर. इसमें हमें ज्यादा कंट्रास्ट भी नहीं देना पड़ता ना.
कंट्रास्ट की जो अमाउंट है ना वो बाजी क्या नाम है आपके पेशेंट पे डिपेंड करती है कि पेशेंट का, जैसे हम बच्चों में है ना, बच्चों में हम वेट के हिसाब से देते हैं कि 2 ml/kg, ठीक है, बड़ों में हम क्या नाम है 1 ml/kg के हिसाब से कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके ओके हो गया। अच्छा जी, वो कहता है जी बायोप्लेन डिजिटल एंजियोग्राफी का इक्विपमेंट, उसका क्या फायदा होता है, लेस टाइम फॉर प्रोसीजर, लेस कंट्रास्ट फॉर द पेशेंट बट नॉट लेस रेडिएशन, ठीक है, आपकी रेडिएशन डोज नहीं कम होती, क्यों, क्योंकि आपने 2 इमेज ले दें तो आपको जरा थोड़ा लंबा एक्सपोजर देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, पोस्ट प्रोसेसिंग इजी होती है, डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, फास्टर प्रोसेसिंग टाइम देन फिल्म, ठीक है, और इसमें फिल्म नहीं होती, ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ही इमेज इंटेंसिफायर आपके जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर उनको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको इमेज शो करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल्म वाला काम नहीं करना पड़ता, मैंने पहले बताया था फिल्म लेस सिस्टम होता है सारे का सारा, ये बात तो याद है ना, yes, माहीन ये बताया था मैंने, यस सर बताया था। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि सिंगल क्या नाम है आर्म भी होता है और बाइप्लेन भी हो सकता है, तो सी आर्म और यू आर्म, ठीक है, या तो इसकी सी शेप होती है जैसे ये है, या फिर यू की शेप का बना हो सकता है, ठीक है। द इक्विपमेंट कैन बी रोटेटेड रादर देन द पेशेंट व्हेन विजुअलाइजेशन ऑफ द किट इज क्रिटिकल, ठीक है, आप इसको दोनों साइड्स पे 180 डिग्री तक मूव कर सकते हो, ठीक है, इस तरह भी ये 180 डिग्री तक जा सकता है और साइड्स पे भी, यानी कि राइट लेफ्ट और अप डाउन दोनों चारों तरफ ये 180 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है। सिमल्टेनियस बायोप्लेन विजुअलाइजेशन एक्सपोजर्स आर नीडेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंजेक्शंस ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है। बायोप्लेन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको बार बार कंट्रास्ट का इंजेक्शन नहीं देना पड़ता, ठीक है, एक ही बार इंजेक्शन देके आपको ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेटिस्फैक्टरी इमेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। यस सर, उसके बाद क्या नाम है, यही वो जो बात मैंने आपको ऊपर बता दी कि मस्ट बी एबल टू पिवट 180 डिग्रीज, ठीक है। इंटेंसिफायर्स आर 12 एंड 16 इंचेस, ठीक है, इंटेंसिफायर का यानी कि डायमीटर होता है वो ऑलमोस्ट 12 टू 16 इंचेस होता है। नीड कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है, आप इसको बैक एंड से 1500 मिली एम्पीयर का करंट जो है वो कांस्टेंटली चाहिए होता है, ठीक है। फोकस पॉट आपने पढ़ा होगा अपने रेडिएशन साइंसेस के अंदर के एक्सरे ट्यूब के ऊपर आपके फोकस पॉट्स होते हैं जहां पे जाके एक्सरे स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, वो लार्ज का साइज उसने क्या बताया, क्या 0.6 से 1.2 होता है और स्मॉल फोकस पॉट का 0.2 से 0.3 होता है, ठीक है। किसी को अगर याद हो तो स्मॉल फोकल स्पॉट यूज करने का हमें क्या एडवांटेज मिलता है, मलाइका कब पता नहीं दोबारा हमें फील कराएगी कि वाकई वो डीन के काबिल थी, क्यों मलाइका बाजी जी, सर एक दफा तो बहुत अच्छा फील कराया था, सिस्टोलिक प्रेशर कम होता है, ये पूरा आप सेमेस्टर ही चलना है आपके साथ सिस्टोलिक प्रेशर, नहीं इसको भी भूलेगा नहीं कभी, कभी मैं कहता हूँ कि एमबीबीएस डॉक्टर भूल जाएगा लेकिन मलाइका कहेगी ना मैं नहीं भूलती सर, बाकी अब मुझे कभी भी नहीं भूलेगा, बस अच्छी बात है, देखो कितना अच्छा टीचर हूँ मैं, तुम लोगों को ऐसे पक्का करवाऊंगा ना, तुम लोगों को क्या बात है, अगर क्लास में से किसी ने टीचर टूचर चेंज करना हो तो मोस्ट वेलकम, वो कर सकता है, कोई मसला नहीं है मेरी तरफ से, बता दो, मैं आज ही सिर्फ नान को बताया था, है कोई बंदा बंदा जिसने सेक्शन चेंज करना हो अपना, क्यों भी काशिफ भाई, जी सर भाई जन सेक्शन चेंज करना तो बता दो मुझे, करवा देता हूँ मैं सिर्फ नान को कह के, नहीं यार दादा मैं बाद में कहना मुझे बदवाएं देते हो पहले ही बता दे, नहीं सर मोमिना, यस सर बाजी सेक्शन चेंज करना तो बता दो, नहीं सर ये देखो जरा सारी रात जागन तो बाद ना बंदा सवेरे उठे होए ना तो फिर आई दीवानी, नहीं सर, नहीं सर मेरी तबीयत नहीं ठीक है और उदो में किसी की भी ठीक नहीं होती, घर के अम्मा के साथ अफ्तारियां बनवानी पड़ जाती है ना, तो वो जाहिर सी बात है ऑब्वियस है मौत तो आनी ही आनी है फिर, नहीं मैं नहीं बनवाती, हेलो एक काम ना करके भी बीमार है, अल्लाह ही माफी दे दे। अच्छा खैर, जो आपका एक्सीट्यूब का जनरेटर होता है, देयर मस्ट बी अ थ्री फेज और हाई फ्रीक्वेंसी 12 पल्स मशीन,
ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ अपनी आरएसटी के अंदर, अगर किसी को भूल भाल गया तो वो जाके दोबारा से आरएसटी का चैप्टर बुशोंग का चैप्टर नंबर 5 खोल के पढ़ लेगा, उसको सारा कुछ दोबारा से रिवाइज हो जाएगा कि हम कौन से जनरेटर यूज करते थे, वो कितने वोल्टेज रिपल उसके अंदर हो तो वो अच्छा होता, कितने ना हो तो अब वो अच्छा होता, ठीक है। एटलीस्ट 1000 मिली एम्पीयर टू अकोमोडेट द रैपिड शॉर्ट एंड हाई एक्सपोजर वैल्यूज रिक्वायर्ड इन एंजियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद एक्सरे ट्यूब हाई स्पीड रोटेटिंग एनोड ट्यूब्स, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एंजियोग्राम इज टू प्रोड्यूस द हाईएस्ट क्वालिटी रेडियोग्राफ इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, ठीक है। 0.3 मिलीमीटर स्मॉल फोकस स्पॉट विल प्रोड्यूस द बेस्ट डिटेल, ठीक है। जैसा कि अभी माहिन बाजी ने हमें बताया कि अगर आप स्मॉल फोकस स्पॉट यूज करते हैं तो यू गेट द बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन। ट्यूब रेटिंग कैन बी एक्सीडेड बिकॉज़ ऑफ द रैपिड सक्सेशन ऑफ एक्सपोजर नीडेड, ठीक है, क्योंकि आपको फ्लोरोस्कोपी के अंदर बार बार एक्सपोजर देके देखना पड़ता है थोड़ी देर बाद कि भाई जी हमारा कैथेटर सही अपनी क्या नाम है एग्जैक्ट लोकेशन पे ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपकी जो एक्सरे ट्यूब है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है। यूजुअल टू हैव 0.6 मिलीमीटर फोकस स्पॉट ट्यूब, ठीक है, इसलिए नॉर्मली हम थोड़ा सा बड़ा फोकस स्पॉट यूज कर लेते हैं कि ट्यूब की हीटिंग जो है वो कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या नाम है साइन रेडियोग्राफी करते हैं। साइन रेडियोग्राफी एक ऐसा यानी कि आप कह लो कि टेक्निक होती है कि इसके अंदर हम रैपिड इमेजेस लेते हैं, ठीक है, और जब उन इमेजेस को प्ले किया जाता है तो ऐसा लगता है कि यार क्या नाम है, फॉर एग्जांपल कि आप एक बंदा है, ठीक है, वो अपना फोटोशूट करवा रहा है, ठीक है, वो फोटोशूट करवाते जैसे आप लोगों ने देखा वो कार्टून्स में या फिर क्या नाम है वो कुछ लोग बनाते हैं वो छोटी जो स्मॉल पैड्स होते हैं उनके ऊपर उन्होंने ना वो ड्रॉइंग बनाई होती है, ठीक है, कि हर पेज पे ना वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता जाता है करेक्टर, तो जब उसको पैड को पकड़ कैसे करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे यार वो करेक्टर चल रहा है, ठीक है, सिमिलर उसी फैशन के अंदर, हाँ करेक्टर मूव कर रहा है, ठीक है, ऑल्दो वो मूव नहीं कर रहा होता, ठीक है, हर पेज के ऊपर उसको थोड़ी सी पोजीशन डिफरेंट की गई होती है। सिमिलरली यहाँ साइन रेडियोग्राफी में क्या होता है कि आप इमेजेस लेते हो बार बार, ठीक है, और उन इमेजेस को जब सिस्टम प्रोसेस करके इकट्ठा चलाता है तो आपको ऐसे लगता है कि यार वीडियो बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा ये भी है कि आपको ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, अपने प्रोसीजर की के यहाँ पे हमने एओटा के अंदर रख के कैथेटर को कंट्रास्ट इंजेक्ट किया था तो एओटा में क्या नाम है एओटिक नोच के पास नैरोइंग आ रही है, ठीक है, आपके एओटिक जो क्या नाम है कर्व है, ठीक है, उसके अंदर नैरोइंग आ रही है। अदर इमेजिंग रिकॉर्डिंग डिवाइस इमेजिंग कैन बी एक्वायर्ड एंड स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्मेट, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल स्पेक्ट्रम रेडियोग्राफी। आपके पास पीछे स्टोरेज डिवाइसेस तो जैसे हर कंप्यूटर के अंदर रैम रोम तो लगे ही होते हैं, ठीक है, सिमिलरली इन कंसोल्स के अंदर भी रैम रोम इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपना क्या नाम है जो भी प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है। आगे आगे जी क्या नाम है प्रेशर इंजेक्टर्स, ठीक है, क्या मैंने आपको जैसे बताया कि हमें कॉन्स्टेंट फ्लो रेट चाहिए होता है कि यार इतने फ्लो रेट पे कंट्रास्ट इंजेक्ट हो, ठीक है, ये क्या करता है फ्लो रेट को मेंटेन करता है, ठीक है, और हीटिंग डिवाइसेस के ऊपर लगी होती है ताकि आपका कंट्रास्ट जो है वो क्या नाम है फ्रीज ना हो जाए, ओके। पावर प्रेशर इंजेक्टर्स इन मोस्ट एंजियोग्राफिक स्टडीज कंट्रास्ट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड एट ए कांस्टेंट स्पीड आइदर फास्टर और स्लोअर एज इन एब्डोमिनल एंजियोग्राफी और स्लोअर इन लिम्फ एंजियोग्राफी, ठीक है। अगर आप एब्डोमिनल एंजियोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, सिमिलरली लिम्फ एंजियोग्राफी ये भी बिल्कुल भी नहीं होती है ऑन एंजियोग्राफिक मशीन। उसकी रीजन क्या है कि अब आपके पास एमआरआई आ चुकी हुई है, एमआरआई जो है वो आपके ब्लड फ्लो को बहुत इजीली क्या नाम है वो क्या कहते हैं यार उसको बट इमेज कर सकती है, ठीक है, तो इसलिए आपकी जितनी भी क्या नाम है लिम्फ एंजियोज हैं, ठीक है, या आपकी ब्रेन एंजियो है, आपकी एब्डोमिनल एंजियो है, या तो वो सीटी पे विद कंट्रास्ट होती है या फिर क्या नाम है एमआरआई पे विद कंट्रास्ट होती है, ठीक है, बट आपका जो कार्डियक इमेजिंग है स्पेसिफिकली उसकी जो वास्कुलेचर है यू नो वेरी वेल कि बहुत माइन्यूट है, ठीक है, तो उसके लिए हमें फ्लोरोस्कोपी का इक्विपमेंट ही यूज करना पड़ता है क्योंकि हम वहां पे क्या नाम है सिर्फ फोकस करके आपके कार्डियक को ही एरिया को इमेज कर रहे होते हैं, ठीक है, जबकि ये सीटी एमआरआई में आप इतना ज्यादा फोकस नहीं कर सकते एरिया पे, ठीक है, इतनी माइन्यूट वास्कुलेचर पे फोकस नहीं किया जा सकता। आप सबको इस बात की समझ आ गई कि अब हम जो बाकी एनजीओस हैं लाइक ब्रेन एनजीओ पेरिफेरल एनजीओ आपके जो लिम्ब क्या कहते हैं लिम्ब्स हैं, ठीक है, आर्म्स की एनजीओ लेग्स की एनजीओ ये जितनी भी हैं, ठीक है, ये सब के सब हम सीटी या एमआरआई पे करते हैं विद कंट्रास्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, ठीक है, ये आपका प्रेशर इंजेक्टर होता है, ठीक है, ये देखो इसके आगे सिरिंज लगी होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक वार्मिंग डिवाइस यानी कि जैसे क्या मैं आप लोगों को बताऊं
यार जैसे ये लड़कियां हाथ में बैंड्स नहीं पहनती, ठीक है, वो जो क्या नाम है ऑटोमेटिकली वो बंद होने वाला, वो यानी कि उसके नीचे कोई बटन वगैरह या फिर कोई लॉक नहीं लगा होता, ठीक है, बस उसको ऐसे करके क्लिक कर लो तो बंद हो जाता है। उस तरह का ना एक वार्मर सा लगा होता है इस सिरिंज के ऊपर, ठीक है, उसको हम वार्मिंग डिवाइस बोलते हैं, जो कि ना आपके कंट्रास्ट का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ठीक है। उसके पीछे जैसे सिरिंज के पीछे एक वो क्या नाम है वो लगी होती है ना, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, जो आपका वो बैरल होता है जिसको आप प्रेस करते हो सिरिंज में, सिमिलरली वैसा बैरल जो है ना वो यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, जो मोटर ड्राइवन होता है, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल पैनल से आप उसको बताते हो कि भाई जान हमें 1.5 ml पर सेकंड का फ्लो चाहिए, ठीक है। वो मोटर अंदर से इस स्पीड में मूव करती है कि जो यहाँ से पुश जाएगा ना सिरिंज को, वो इतना जाएगा कि 1.5 ml पर सेकंड आपकी बॉडी में कंट्रास्ट इंजेक्ट होगा, ठीक है, समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा जी, उसके बाद क्या कहते हैं, प्रेशर इंजेक्टर्स क्या करते हैं, वॉर्म्स द कंट्रास्ट, इंप्रूव विस्कोसिटी, पिस्टन, हाँ पिस्टन कहते हैं, ठीक है, जो आपके सिरिंज के बैक पे लगा होता है जिसको प्रेस करते हैं उसको क्या कहते हैं, पिस्टन। पिस्टन इज मोटर ड्रिवन प्लंगर, सेफ्टी मेजर्स, फ्लैशलाइट, ऑडिबल टोन, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें हम इंसान है, ठीक है, तो जब आपने क्या नाम है ये प्रेशर इंजेक्टर को एक ट्यूब के थ्रू आपके कैथेटर के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब कैनुला लगा होता है ना किसी पेशेंट को, तो ना ऊपर एक लॉक सा होता है उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, ब्लू कलर का लॉक सा लगा होता है उसको बंद कर देते हैं कि यहाँ से क्या नाम है ब्लड ना बैक आओ, फ्लो ना आ जाए, ठीक है। तो अक्सर इस तरह हो जाता है कि इंसान है तो बंदा ना भूल जाता है कि यार मैंने ओपन किया था कि नहीं किया था, तो उस कंडीशन में अगर आप वो क्लोज हो और आप यहाँ से कंट्रास्ट इंजेक्ट कर दो, तो ये प्रेशर इंजेक्टर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया होता है कि अगर आगे से इसको क्या नाम है रेजिस्टेंस मिले ना, प्रेशर पीछे से आ रहा हो और आगे से कंट्रास्ट पास ना कर रहा हो, तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है और रेड कलर का ना लाइट शो करके बीप करने लग जाता है कि यार भाई काम कोई खराब हो गया। सिमिलर फैशन में अगर क्या नाम है आपको कंट्रास्ट एक्स्ट्रा विजिट कर जाए, मतलब यानी कि आपकी जो सिरिंज की निडल है वो आपकी वेसल से बाहर निकल के आपकी स्किन वाली साइड पे आ जाए, सबक्यूटेनियस हो जाए, ठीक है, तो तब भी क्या नाम है ये रेड कलर का निशान शो करना शुरू करता है कि भाई जी आपका कंट्रास्ट जो है ना वो आगे नहीं जा रहा, रेजिस्टेंस मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान भी हमें रखना पड़ता है कि आइदर आवर कैनुला इज प्रॉपर इन पोजीशन और नॉट, ठीक है, समझ आ गई सबको? यस सर। उसके बाद क्या कहते हैं ऑपरेशनल एरर, ठीक है, उसके क्या नाम है अगर आपके कंट्रास्ट मीडिया खत्म हो जाए तब भी आपको क्या नाम है एक बीप देता है कि भाई जी कंट्रास्ट खत्म हो गया, कंट्रास्ट फिल कर लो, ठीक है। उसके अपने अंदर कोई मसला आ रहा था तब भी क्या नाम है ये एरर शो करता है कि भाई जी मेरे सिस्टम के अंदर कोई इशू आ रहा है, इसको रिजॉल्व करो फिर मैं काम करूंगा, ठीक है। प्रिवेंट सक्सेसिव प्रेशर, ठीक है, जितना प्रेशर आपने सेट किया ना उतना ही प्रेशर से वो आपका कंट्रास्ट चेक करेगा, अगर आपने 1 ml पर सेकंड किया तो 1 ml पे करेगा, अगर 5 ml पर सेकंड किया तो 5 ml पे ही करेगा, ठीक है, क्योंकि सारा ऑटोमेटिक होता है, इसके अंदर सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया होता है, ठीक हो गया। Control panel where the parameters for the injections are set. Motor driven mechanism is the electromechanical device that drives a plunger into the syringe at a specific pressure. Syringes are always removable for sterilization purposes or are disposable. ठीक है, जो आपकी syringes हैं इनकी जैसे normal syringe होती है इसी तरह इनकी भी life होती है, ठीक है, आपको ये क्या नाम है after a week change करनी पड़ती है, क्योंकि contrast जो होता है वो viscous होता है और उसके साथ साथ थोड़ा यानी कि उसके अंदर ना ऐसे जैसे अगर आप रसगुल्ले वगैरह लो तो उसके साथ वो जैसे शीरा निकल रहा होता है ना उस तरह की तरह ये ना मीठा मीठा सा चिपचिपा सा होता है, तो वो सिरिंज के अंदर रह रह के आपकी जो सिरिंज के अंदर ना उसकी एक लाइनिंग सी बन जाती है कंट्रास्ट की, जिसकी वजह से आपके वो प्लंगर और पिस्टन का मूव करना ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, आपका प्रेशर प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा होता, तो इसलिए आफ्टर ए वीक मैक्सिमम आपको चेंज करना पड़ता है अपने सिरिंज को। ओके ओके सर। उसके बाद ये डिफिब्रिलेटर, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि आपका सारा काम कार्डियक के ऊपर चल रहा है तो आपको डिफिब्रिलेटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि पेशेंट जैसे ही पेशेंट की हार्ट बीट वगैरह कुछ भी रिदम्स ऊपर नीचे होते हैं तो आपको डिफिब्रिलेटर का पता है ना फिल्मों में देखा ही होगा भाई, वो जल छल लगा के आप पेशेंट को झटका मारते हैं, वो पेशेंट की रूह ना कब्र में से भी उठ के बाहर आ जाती है, ठीक है, ऐप पेशेंट दस्ती उठ के खड़ा रहता है हीरो, ला अभी फिर मैं कहता हूँ फिर ऐसी की तैसी जो जितने भी विलन होते हैं जितने भी गुंडे शुंडे ये वो, ठीक है, वो जो वो यूज कर रहे होते हैं ना वो ऐसे झटके देने वाली डिवाइस उसको डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गई है। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर किसी को नहीं पता होगा क्योंकि कोविड की सिचुएशन है,
हर दूसरे बंदे ने अपनी जेब में ऑक्सीमीटर रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे हमारे एक फ्रेंड को हुआ, थोड़ा बेचारा वहमी है, तो उसने तो भाई ऑक्सीमीटर ले लिया। उस दिन हम लोग इकट्ठे हुए हैं, भाभी क्यों गए, तो वो जनाब जी कह रहे हैं हर एक को लगा गए, यार भाई उंगली आकर यार तुझे ऑक्सीजन चेक करें, उंगली आकर यार तुझे ऑक्सीजन चेक करें। तो इस तरह करके वो ना ऑक्सीमीटर लेके जेब में घूम रहा है, हर बंदा जो भी उसको मिलता है वो ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा होता है कि सैचुरेशन पूरी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद कहता है कि आपके पास ये सब तो आपका इमेजिंग इक्विपमेंट हो गया, उसके अलावा आपके पास क्या होता है जी? आपके पास क्रैश कार्ड होती है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड सक्शन पंप होते हैं, डिफिब्रिलेटर होता है, टेम्परेरी पेसमेकर होता है आपके पास, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ब्लड प्रेशर कप होता है, इक्विपमेंट टू परफॉर्म कार्डियक आउटपुट स्टडीज, ठीक है, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, एसीटी मेजर करने के लिए भी आपके पास पीटीए पीटीडी वाला जो भी आपके पास एक इक्विपमेंट वहां पे पड़ा होता है, ठीक है। ये आपका डिफिब्रिलेटर है, ये जो ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है, और इसके अंदर सारी आपकी इमरजेंसी ड्रग्स और आपका मास्क दिस एंड दैट वो सारी चीजें इस इमरजेंसी ट्रॉली के अंदर होती हैं। अच्छा जी, वो कहता है कि जी आप क्या नाम है, रेडिएशन शील्डिंग कैसे कर सकते हो, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग आपको अच्छी तरह से पता होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये उसने बायोलॉजिकल इफेक्ट्स किस किस लेवल पे जाके क्या क्या इफेक्ट कॉज होता है, ठीक है, ग्रे इज अ यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज, ठीक है, कि एक पेशेंट या फिर एक रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट कितनी डोज एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, उसका ये यूनिट है, ठीक है। तो वन ग्रे पे एफडीए रिकमेंड द पेशेंट टोल्ड एरिथ्रमा रिस्क, ठीक है, उसको एरिथ्रमा हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, वन ग्रे से बढ़ेगी तो कैटरेक्ट, टू ग्रे पे माइल्ड टेम्पररी एरिथ्रमा, थ्री ग्रे पे टेम्पररी एपिलेप्टेशन, सिक्स ग्रे पे मेन एरिथ्रमा और सेवन ग्रे पे परमानेंट एपिलेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एवरेज पेशेंट रेडिएशन डोज रेट्स, ठीक है, कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में 110 ग्राम पर मिनट की मिलती है, ठीक है। अब ये कौन सी इफेक्टिव डोज का यूनिट है, ये तुम लोगों ने आरएसटी में पढ़ी हुई है, अब्सॉर्ब डोज, इफेक्टिव डोज, पढ़ा हुआ है सब कुछ के नहीं? यस सर, पढ़ा हुआ है, यस सर। हां ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट की डोजेस उन्होंने बताई है रेडिएशन की, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ये रटे वाला सिस्टम है, ठीक है। एडवांटेजेस डिजिटल फ्लोरोस्कोपी फ्रॉम कन्वेंशनल फ्लोरो, ठीक है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग हमें करने को मिल जाती है, हम पोस्ट प्रोसेसिंग अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रास्ट डिक्रीज कर सकते हैं, ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं, ब्राइटनेस डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें से क्या होता है, हमारा कंट्रास्ट अच्छा हो जाता है, स्पीड ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, आपकी स्पीड ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाती है, ठीक है, डिजिटल सिस्टम के अंदर। जैसे कि आपको मैंने बताया कि कैसेट नहीं हमें लगानी पड़ती, बार बार जाकर रिमूव नहीं करना पड़ता, लगाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट ही इमेज आपकी स्क्रीन पे आता है। सिस्टम प्रोवाइड्स बेटर स्पेशलाइजेशन देन 525 लाइन सिस्टम्स, ठीक है। क्यों यार, अच्छा फिर उसके बाद पिक्सल साइज मैटर कर रहा होता है, ठीक है। पिक्सल क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए डिजिटल इमेज, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या होता है, ए टू डायमेंशनल सीरीज ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस कंपोज्ड ऑफ पिक्सल्स। आजकल के दौर में पिक्सल्स का किसको नहीं पता, ठीक है, ये जो आम आईफोन 12 प्रो मैक्स की क्यों लेती है, ठीक है, कि भाई जी उसकी जो मैट्रिक्स है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है, उसकी पिक्सल का ये जो साइज है बहुत छोटा है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी वो आपको शो करवाता है, ठीक है। सेम सिनेरियो यहां पे भी यूज किया जा रहा है कि जो आपके डिजिटल फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी 10x24 का मैट्रिक्स यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे कि महीन बाजी ने बताया था कि हमारी स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छी हो जाती है। जितना बड़ा आपका मैट्रिक्स साइज होगा और पिक्सल साइज छोटा होगा, उतनी ज्यादा आपकी इमेज डिटेल अच्छी होगी, ठीक है। बाकी यार ये दो स्लाइड मैं बाद में पढ़ा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, इसमें सिर्फ डेटा सब्ट्रैक्शन एंड ज्योग्राफी है, बल्कि वो नहीं पढ़ लो यार, ठीक है, हे लेक्चर खत्म होने वाला, लेकिन पढ़ लो। डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंड ज्योग्राफी क्या होता है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंड ज्योग्राफी रेफर्स टू अ टेक्निक व्हिच कंपेयर्स टू इमेजेस ऑफ अ रीजन ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर अ कंट्रास्ट, ठीक है। डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंड ज्योग्राफी ऐसी होती है कि आपने जब कंट्रास्ट इंजेक्ट करने से पहले एक इमेज जो लिया है ना पेशेंट का विदाउट कंट्रास्ट इमेज, ठीक है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी आपके अगले आने वाले हर इमेज को उस इमेज के साथ कंपेयर करके, ठीक है, उसमें से वो वाला इमेज जिसमें कंट्रास्ट नहीं था वो माइनस करके आपको दिखाएगा, ठीक है, यानी कि एक सीरीज बनाएगा पूरी, ठीक है, जिसके अंदर आपका वो पहला इमेज वो होगा और जितने भी अगले इमेजेस आएंगे ना, ठीक है, उनको वो उसके साथ कंपेयर करके, ठीक है, उसके अंदर जो डिटेल ऐड करनी है वो डिटेल ऐड करके बाकी सारा कुछ रिमूव करके आपको ऑटोमेटिकली शो करवाएगा, ठीक है। ये जाके थोड़ा सा इसको देखना, क्या नाम है, यूट्यूब के ऊपर कि डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी होती क्या है, ठीक है, मैं इसके बारे में तुम लोगों से पूछूंगा, जिसको जवाब ना आया फिर अपना जिम्मेदार खुद है, क्योंकि दो लेक्चर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा तुम लोग अब खुद को धक्का दे लो कि पढ़ लो। सर हमने पढ़ा हुआ इसके बारे में, हाँ, और बेशक अपने सीनियर से पूछना कि उन्होंने एनजीओ किस तरह पढ़ी थी और तुम लोग किस तरह पढ़ रहे हो, वो
वो तुम लोग अच्छे से गाइड करेंगे कि वाकई तुम लोग किस तरह पढ़े और उन लोगों ने किस तरह पढ़ी है। 80-80, 90-90 लेक्चर स्लाइड का लेक्चर था अपने आप लोगों के सीनियर्स का, पूछना उनसे उन बेचारों की क्या हालत होती थी। ठीक है, कुछ इस तरह का ही आपको डीएसए का इमेज मिलता है। ठीक है, देखो कितना मजेदार है, उसने सारा जो बैक एंड है ना आपके हेड का ब्रेन का वो सारा उसने सुप्रेस कर दिया, सिर्फ क्या आपको कंट्रास्ट के थ्रू आपका वास्कुलेचर नजर आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई सबको? जी सर। यस सर। चलो भाई, क्या नाम है, अब मैं अटेंडेंस, चलो भाई ठीक है, ओके एक मिनट रुको जी मैं ले लेता हूँ सबको। जानिश है, जानिश फातिमा, वानिया, उमेमन, उम्मीद अफजल, उमेर अहमद, सुमैया सादिया, सुंबल मुश्ताक, प्रेजेंट सर, अच्छा जी, सिमाब फियाज, प्रेजेंट, सारा अनवर, सना खालिद, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, सना खालिद हो गया, सना हबीब, प्रेजेंट सर, सामिया, प्रेजेंट सर, रहमा, रहमा सुहेल, प्रेजेंट सर, राबिया अरफान, प्रेजेंट सर, मुशाहिद रहीम, उस्मान, यस सर, शहीर, राफे, काशिफ, यस सर, राफे या काशिफ, काशिफ सर, ओके, हामिद अरसलान, यस सर, यस सर, आमिर ताहिर, यस सर, अमान लियाकत, यस सर, अली नूर, मेमन प्रेजेंट, अच्छा जी, अली नूर नहीं है क्लास में, मैमूना रहमान, प्रेजेंट सर, मैमूना तारिक, मलीहा मरियम, प्रेजेंट सर, लाइबा नवीद तो वैसे ही नहीं थी क्लास में, लिंता याकूब, खदीजा, प्रेजेंट सर, इकराम शरीफ, प्रेजेंट सर, ठीक है, आयशा, सिंपल आयशा, प्रेजेंट सर, ओके सर, सर अफजल हसन की लगा दे, मैं थोड़ा ज़ाहिर हूँ इसलिए। अच्छा भाईजान, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आप तो रोज ही बाहर होते हैं। थैंक यू सर। बेटे ये कल जब आपसे सवाल होगा ना तो ये थैंक यू नहीं निकलेगा, मुझे पता है अच्छी तरह से, टेंशन ना लेना। अल्लाह नवाज, सर मेरा नाम नहीं लिया, जिसका नाम नहीं लिया उसकी लग गई है, टेंशन ना लो। प्रेजेंट सर। अक्सा अजहर, प्रेजेंट सर, ठीक है, ओके वाम, अब लेक्चर पढ़ लेना। मेरा हो गया, एक्सक्यूज मी सर, हो गई, जी 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 हो गई सर, सर सदीका सर, प्रेजेंट है, एक मिनट एक एक करके बोल लो, खुदा का खौफ कर लो, कशफ की भी हो गई है, सर नासिर प्रेजेंट है, सर उम्मे इमन, दीपा जी लगती है, सानिया ताहिर की भी प्रेजेंट बात,
बाजी मैंने तुम लोगों को कितनी दफा कहा है कि जिनका नाम नहीं बोला मैं देख लेता हूँ यहाँ से कि वो क्लास में थे या नहीं थे। सर मेरी लग गई है। लग गई बाजी और कुछ सर आयशा नासिर की भी चेक करते हैं प्लीज। बाजी लग गई है। ओके सर थैंक यू। गान नहीं मान सर मैं भी नहीं मानिया ताहिर आपकी लगा दी है। सर मेरी लगा दी आपने उम्मे इमन जी बाजी लगा दी मैसेज करके उस तो बाद 6 बारी पूछ चुकी हैं खुदा का खौफ है। सर मुझे लगा देखा नहीं होगा रगीसा अगर कुछ पूछा ना अटेंडेंस के बारे में तो सर तोड़ दूंगा। हाय रब्बा सर मैंने पूछा मेरी अटेंडेंस लगा दी है। हां जी लाती है ताड़ी अटेंडेंस ताड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर। ठीक है भाई ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर जी अब बेफिक्र होकर सो जाए। सो जाओ जी। ओके सर अल्लाह हाफिज।